क्या हाल है मेरे टेस्ट पार्टनर, स्वागत है आपका मेरे टेस्ट पार्टनर में। दोस्तों कैसे हैं आप, फिर से आ गए आपके पास एक छोटे से गैप के बाद बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर और बहुत ही बढ़िया आपको चीज़ टेस्ट कराने के लिए। इस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ वो मैं बता देता हूँ। इस टाइम पे मैं हूँ लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे। मेरे सामने जो आई डी और जाने वाला रास्ता राइट साइड पे, जब आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे बहुत सारे आपको कार्ड दिखेंगे अंदर सर्विस लेन में। उन्हीं में से एक कार्ड के पास हम जाने वाले हैं जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाते हैं और बहुत ही पुराने टाइम से, बहुत ही ज़्यादा एक टाइम से वो उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं भैया के पास, आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है और टेस्ट भी कराते हैं। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं बॉम्बे सैंडविच। ये बहुत ही पुराने टाइम से बॉम्बे वाला, जो बॉम्बे में मशहूर जो सैंडविच होते हैं वो बना रहे हैं। इनके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कि बॉम्बे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती हैं। चलिए चलते हैं भैया के पास, देखते हैं क्या क्या चीज़ बनाते हैं ये और टेस्ट करते हैं। तो चलिए हम भैया के कार्ट पे आ गए हैं, ये हैं इस कार्ट के ओनर। चलिए भैया से बात करते हैं। आज भैया राम राम। तो नाम बताइए भैया पहले। मैं नरेश कुमार। तो भैया ये आप कितने टाइम से बना रहे हैं ये बर्गर? मैं 12-15 साल हो गया। अच्छा 12-15 साल से। हाँ जी। कहाँ पे आपकी शॉप? मेरा शॉप तो यही है अभी फिलहाल जयपुर में, तो बहुत पुराना है, कम से कम 20-21 साल पुराना शॉप है जयपुर में, बापू बाजार सरावगी मेंशन लिंक रोड पे। अच्छा तो क्या क्या बनाते हो भैया आप वहाँ पे? यही बनता है बॉम्बे सैंडविच, भेलपुरी, सेवपुरी, पपड़ी चाट, ग्रिल सैंडविच, वेज हॉट डॉग और बर्गर बनता है। तो ये बॉम्बे में चलते हैं सब चीज़ें? हाँ ये बॉम्बे का ही आइटम है, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था इसलिए इसका नाम बॉम्बे पड़ गया। अच्छा तो आपके पास सबसे ज़्यादा क्या चलता है? सबसे ज़्यादा चलता है बॉम्बे सैंडविच और वेज हॉट डॉग। वेज हॉट डॉग। हाँ चलिए हमें ये दोनों चीज़ें टेस्ट कराइए, हम देखते हैं टेस्ट। ठीक है बिल्कुल। ये कौन सा बर्गर है हमारे भैया? ये मैं खुद ऐसे बनाता हूँ, ये बर्गर है जिसमें आलू मटर का मसाला है, फिर टमाटर प्याज पनीर जाएगा, इसमें बंधा गोभी है, ये फ्राई होके बटर है, फिर इसके अंदर पेस्ट होता है। ये तावे की बर्गर है। कौन सा है? ये तावे की बर्गर है। तवा बर्गर है। हाँ आओगे ना भैया आप? तो ये कस्टमर है हमारे साथ, चलिए भैया से बात करते हैं, पूछते हैं क्या लिया और कैसा टेस्ट है। टेस्ट तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया टेस्ट। मेरा नाम बताइए अपना। शशांक नाम है मेरा। तो पहले भी खाया आपने, ट्राई किया? नहीं आज पहली बार खा रहा है। क्या चीज़ लिया आपने? वेज बर्गर लिया। वेज बर्गर, कैसा लगा टेस्ट आपको? ठीक है, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड है। तो दोस्तों पहली बार भैया खा रहे हो, टेस्ट बढ़िया लगा और रिकमेंडेड है, तो जरूर आके आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी बताइएगा हमें टेस्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको टेस्ट। चलिए हम भी जो बनवा रहे हैं अभी बनवाते हैं और फिर आपको टेस्ट कराते हैं। ये बन रहा है जी इनका सेकंड हॉट सेलिंग आइटम, ये है जी ग्रिल सैंडविच। जो हम लेने वाले हैं वो ये सैंडविच नहीं है, ये है ग्रिल सैंडविच। इसकी खास बात ये है कि ये है ट्रिपल लेयर ग्रिल सैंडविच। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रीन ग्रीन इन्होंने ये लगाया है, ये है आलू और मटर का मसाला जो इनकी खुद की मेकिंग होती है, स्टफिंग जो होती है इनकी, इसके ऊपर डाली है टोमेटो केचप। अब इसके ऊपर डाल रहा है जी ये प्याज, थोड़ा सा सैंडविच है प्याज के बिना तो मज़ा आएगा ही नहीं, सैंडविच के ऊपर प्याज डाल दिया इन्होंने। अब बारी आती है टमाटर की, अब प्याज जल गया टमाटर कैसे दूर रह जाए यार, कि इन्होंने एक लेयर उठा के सैंडविच के ऊपर रख दिया है। अब इसके बाद बारी आती है पनीर की, क्या बात है भाई साहब, पनीर जो है सैंडविच में डल गया, चीज़ दिल्ली में भैया चीज़ की बारिश जो है सैंडविच के ऊपर दोबारा से हो गई है। देखिए चीज़ देखिए भर भर के कितना सारा, एक पूरा क्यूब जो है वो एक सैंडविच में अंदर डल गया है और इसको कर दिया इन्होंने कवर। और अब इसको सेका जाएगा अच्छे से बटर में, एक बार बटर में सिक जाए फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखिए ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच, ग्रिल सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है ना, एकदम मस्त है, देखते ही मन कर रहा है खा ले, बट हमने ये नहीं लेना, हमने लेना बॉम्बे वाला, ज़्यादा आपको पता है हम लेते नहीं क्योंकि ज़्यादा लेने पर चीज़ होती है वेस्ट, और हम क्या कहते हैं डोंट वेस्ट ओनली फील द टेस्ट। देखिए हम नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको ये सैंडविच कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, जो अब हम अपने लिए बनवाने वाले हैं दो चीज़ें उस पर चलते हैं, स्किप मत कीजिएगा पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे बनवा रहे हैं बॉम्बे सैंडविच, जो कि इनका बहुत ही मशहूर, इनके नाम के हिसाब से जो इनकी मेन इनका आइटम है वो बनवा रहे हैं बॉम्बे सैंडविच। इसमें मैंने ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया और एक हरी चटनी लगाई और साथ ऊपर एक सैलेड, तो आलू के स्लाइस लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर, और ये लग गया मसाला, अच्छा सॉल्ट। इसमें चीज़ वाले आपको खिला रहा हूँ भैया, मुझे चीज़ जलने जा रहा है इसमें, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं चीज़ ही खाते हैं और ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो चीज़ की बारिश जो है वो सैंडविच के ऊपर हो गई है। तो मेरे डिस्ट्रेंड्स आपको बटर से नहाया हुआ वो ग्रिल सैंडविच अच्छा लगा या सिंपल वाला ये बॉम्बे सैंडविच, कौन सा पसंद आया मुझे फटाफट से बता दीजिए कमेंट करके, और रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। केचप, ये केचप है, सेव
सेव धनिया पत्ता। अब ये रेडी हो गया आपके हॉट डॉग बन रहा है। अब ये हमारा भैया हॉट डॉग रेडी हो रहा है। आपको हॉट डॉग के बारे में बताइए, हॉट डॉग बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। अब ये देखिए, ये स्पेशल मसाला है जो भैया की स्पेशलिटी है, हॉट डॉग के अंदर भरी जाती है। क्या चीज़ है? आलू और मटर की मसाला है। ये आलू और मटर का मसाला है। अब ये बटर में फ्राई होगा। ओके। अच्छा, जो आप ग्रिल सैंडविच खाएंगे ना, उसमें भी यही भरा जाता है ये। हाँ, आलू मटर के मसाला उसमें भी हम डालते हैं। इसीलिए यही रीज़न था कि मैंने बोला सैंडविच ना लेके हॉट डॉग लिया, क्योंकि हॉट डॉग इनका फेमस भी है और जो सेम मसाला वो इसी में भरा जाता है। अब ये गर्म होगा आपका। तो ये तुषार का फेवरेट बटर, जो तुषार के जिम की बैंड देने वाला है, उसको तवे पे अच्छे से भैया ने लगा दिया है और इसको अब हॉट डॉग को अच्छे से तवे पे सेका जाएगा बटर के अंदर। देखिए वो ऐसा बटर देखो और डाल दिया है। देख ले भाई तुषार, मजा आने वाला तुझे। आप भी देखिए बटर की क्वांटिटी आप देख सकते हैं तवे पे कितनी सारी है। अच्छे से हॉट डॉग को नहलाया जाएगा। तो चलिए जब ये रेडी हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं कैसा रेडी हुआ है ये। तो भाई साहब, इस हॉट डॉग को तवे पे 3 से 4 मिनट बटर में अच्छे से सेका गया है। बटर बार बार डाल के भैया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सेक दिया है। अब देखिए ये क्या तैयार कर रहे हैं, बड़ी खास चीज़ तैयार कर रहे हैं। देखिए कुछ सब्जियां हैं वो उन्होंने तवे पे डाल दी है। क्या है? तो अब एक सैलड रेडी किया जा रहा है जो कि हॉट डॉग के साथ दिया जाता है। इसी के अंदर भरोगे इसको ही? इसके अंदर भरते हैं। इसी के अंदर भर जाएगा। तो इसमें बंद गोभी है, पनीर है, प्याज है और टमाटर है। ये बटर में फ्राई किया जाएगा ये भी भाई। भाई अब आप देख सकते हैं एक हॉट डॉग में कितना सारा जो बटर है वो जा रहा है। पहले भी एक हॉट डॉग को हमने सेकने के लिए देखा इतना सारा बटर डाला है, और अभी सैलेड को बनाने के लिए। तो गाइस, बॉम्बे में कुछ और चीज़ें भी मशहूर होती हैं, जैसे कि पापड़ी चाट है, सेव पूड़ी है, दही पूड़ी है, वो भी भैया के पास मिलती हैं। ये भी जो बॉम्बे में फेमस आइटम्स होती हैं वो भी आके आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उनका भी टेस्ट जो है बढ़िया है, आप ज़रूर आकर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा टेस्ट कैसा है। तो गाइस, हमारा देखिए सैंडविच और हॉट डॉग बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए आपको मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ। देखिए ये है जी बॉम्बे सैंडविच। स्टफिंग आप देखिए इसमें क्या की गई थी, सैलड है, चीज़ है, बट मुझे पता क्या लगता है, अगर ग्रिल करते चीज़ मेल्ट होता तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। चलिए मैं आपको हॉट डॉग भी दिखा देता हूँ। हॉट डॉग के अंदर जो इन्होंने स्पेशल सैलड और ये इनका जो आलू और मटर वाला जो मसाला होता है, जो पिट्ठी बना के डालते हैं कहते हैं, वो है इसे। चलिए पहले हम करेंगे सैंडविच ट्राई। सैंडविच का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जो ऊपर सेव डली है, सॉस है, अंदर सैलड वगैरह है, और चीज़ का टेस्ट जो मेन चीज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा सैंडविच में आ रहा है। वो जो सेव है वो धनिया डला हुआ है, उसने जो बॉम्बे वाली जो टेस्ट होता है उसका एक झलक दिख रही है उसके अंदर। तो आपने बॉम्बे में ऐसा सैंडविच कहाँ पे खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार, और मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा बॉम्बे जब भी जाऊँगा। तो टेस्ट अच्छा, चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ रहा था, चीज़ काफ़ी ज़्यादा डाला भैया ने। तो चलिए हॉट डॉग भी ट्राई कर लेते हैं। भैया ये फुली लोडेड हॉट डॉग है, चटनी भी है इसके साथ। तो ये भैया इतना बड़ा, चलिए ट्राई करते हैं। तो गाइस पहली बाइट में जो मुझे टेस्ट आया उस सैलेड को जो अच्छे से इन्होंने बटर में फ्राई किया हुआ है उसका मुझे टेस्ट आया। काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है बटर में फ्राई किए हुए हैं, और जो इसके अंदर ये चटनी दी है साथ में इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। चलिए एक बाइट और लेते हैं। जो सामने आलू और मटर वाला मसाला है उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो मसाला भी डाला हुआ है, थोड़ा बहुत स्पाइसी है ये तो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। जो हॉट डॉग है वो लिटल बिट स्पाइसी है, चटनी भी थोड़ी स्पाइसी है, और जो आलू और मटर का मसाला है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जो फुली लोडेड ये हॉट डॉग है वो जो मसाला इसका टेस्ट ही अलग दे रहा है। तो दोस्तों हमने ट्राई कर लिया, आप भी दूर आके ट्राई करना, बताना हमें टेस्ट कैसा लगा। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो या अपने ब्लॉग पे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर भी करें।